नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपका कल्चर अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस तालाब का जो है पानी निकाल करके इसको खाली किया जा रहा है ताकि हम लोग नया कल्चर जो है स्टार्ट कर सकें सबसे पहले। और ये मोनो ब्लॉक के ज़रिए जो है, जो थोड़ा बहुत पानी बच गया था वो नहीं निकल रहा था, तो उसको मोनो ब्लॉक के ज़रिए जो है आप देख सकते हैं कैसे इसको निकाला जा रहा है ताकि इसमें नया कल्चर फिर से स्टार्ट हो। तो आप देख सकते हैं ऐसे आप भी जो है मोनो ब्लॉक लगा करके तालाब का पानी, चाहे आप सिंचाई के रूप में किसी को दे करके खाली करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास और भी तालाब हैं तो आप उसमें ही वो पानी डाल करके इस तालाब को ऐसे ही खाली कर सकते हैं। तो ये देखिए फावड़े से जो है मिट्टी को थोड़ा सा बना दिया गया है ताकि ये मोटर अपना पानी अच्छे ढंग से खींच सके और ये तालाब जल्द से जल्द जो है सुखा कर नया कल्चर स्टार्ट हो सके। आप देख पा रहे होंगे ये 2 HP का मोनो ब्लॉक का मोटर है जिससे ये पानी को निकाला जा रहा है। जब इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा तो हम लोग नया कल्चर फिर से इसमें स्टार्ट करेंगे। और आप देख पा रहे हैं लगभग इसका पूरा पानी निकल चुका है। अब जो भी बची हुई मछलियाँ हैं, क्योंकि जाल चलाने पर एक ही बार में पूरा मछली नहीं आता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, जो कि जब तालाब सुखाया जाता है तब वो निकल करके बाहर आती हैं, तो उसको हम लोग भी इसको निकाल करके बच्चों को दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देंगे जो कि हमारे अगले नेक्स्ट कल्चर में काम आने वाला है। और ये देखिए आपके सामने थोड़ा अंदर चल के आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें जितने भी बड़े बच्चे हैं सबको सेल आउट कर दिया जाएगा, जो छोटे रहेंगे उसको रख करके उसको नेक्स्ट कल्चर में हम लोग इसको ग्रोथ कराएंगे। तो चलिए तालाब के अंदर हम लेके चलते हैं आपको और लाइव जो है आपको स्क्रीन के सामने इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो भी भाई लोग नए आए हो चैनल पे, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि जब हम नई वीडियो आप अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप बड़े आराम से उसको वॉच कर सकते हैं। और जिन भाई लोगों को बच्चे की नीड हो, जिसको मछली का बच्चा चाहिए होगा, वो हमसे आप कांटेक्ट करके आप हमसे बड़े आराम से ले सकते हैं। चाहे वो फंगासियस हो गया, जासर हो गया, चाहे रोहू, कतला, नैन ग्रास, एवरीबडी, सभी मछली हमारे पास अवेलेबल रहती है। और आपके ऑर्डर करने पे जो है हम बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय रोड, तीनों के माध्यम से हम आप तक मछली का बच्चा पहुँचाते हैं। जीरा साइज़ का भी मछली लेना हो तो हमें आप कॉल कर सकते हो और ऑर्डर बुक करा सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये अंदर का सीन है तालाब के, आप देख सकते हैं कैसे ये मछलियां हैं। जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इनको एक कैरेट में रख के दूसरे में रख दिया जाएगा, दूसरे तालाब में, और जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरे तालाब में रहेंगे, क्योंकि बड़ी मछलियों को जो है सेल आउट करना है। तो जो भी बच गए हैं ये सब जो है सेल आउट हो जाएंगे और बच्चों को जो है स्टॉक कर दिया जाएगा एक छोटे से तालाब में ताकि वो नेक्स्ट कल्चर में काम आ सके। आप देख पा रहे होंगे इतनी मछलियाँ जो है जाल चलाने पर भी नहीं आई थी। खासकर इसमें जो है जो नैन मछली होती है, जो बॉटम फीडर की मछली होती है, वही मछली है, क्योंकि जाल चलाने पे जो है वो नीचे की रहती है तो वो बहुत तेज़ भागती है और जो कि छूट जाता है कुछ न कुछ बच्चा। ज़्यादा नहीं होगा, लगभग इसमें 1.5 से 2 क्विंटल माल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही पकड़वा करके निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जाल बहुत चलाई गई थी लेकिन पूरे बच्चे एक बार में नहीं आते हैं। कम से कम 5-6-7 बार जो है जाल चलाई गई थी, फिर भी इतने बच्चे छूट गए थे। तो वैसे भी सुखाना था, तो सुखाने के बाद जो है तालाब को फिर से प्रिपरेशन किया जाएगा और फिर से नया कल्चर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप स्क्रीन पर लाइव वीडियो देख पा रहे हैं, जो भी मोमेंट होता है हम लाइव ही कवर करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बच्चा रहेगा उसको शिफ्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो अब तो कल्चर स्टार्ट ही हो रहा है, तो अब लगातार वीडियो हमारी इस चैनल पे जाती रहेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ जो है कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन भी पूछना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और हम उस पर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देते रहते हैं। तो दोस्तों, यही था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।